नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ओरा पर 45 दिन के अंदर मिल सकता है अप्रूवल। 5000 करोड़ रुपए के अप्रूवल के लिए अटका हुआ है ये बेहतरीन प्रोजेक्ट। ओरा की अगर बात करें तो ये भारत का पहला स्टेल्थ हथियार होगा जिसे किसी भी रडार के द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा। इसका प्रोटोटाइप और कई सारी चीज़ें पहले ही पास हो चुकी हैं। इसके एक पुराने जो अभी हमने एक ही साल पहले किया था, इसका टेस्ट भी हर तरह से हो चुका है। ये सिर्फ सेना में शामिल होना रहता है और सेना में शामिल हो जाएगा ये बहुत जल्द। उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद इस पर बहुत ही जल्द डिसीजन लिया जाएगा और 5000 करोड़ का इसका फंड पास किया जाएगा। अगली खबर ये है कि भारत ने जापान को पछाड़कर, जी हाँ, भारत ने जापान को पछाड़कर थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेट करने वाला देश बन गया है भारत। वैसे भी जापान को कई जगहों पर भारत पछाड़ रहा है। कुछ ही दिनों पहले ऑटो सेक्टर का आया था, अभी हाल ही में भारत ने काफ़ी टन, 131 टन के आसपास गोल्ड खरीदा है। साथ ही साथ भारत बढ़ती हुई इकोनॉमी भी है जो बहुत जल्द फोर्थ और हो सकता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाए। जी हाँ, थर्ड लार्जेस्ट। तो भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक भी भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ 5% हिस्सा ही सोलर पावर से जनरेट कर रहा है, बाकी सारा अभी भी कोयला और बाकी चीज़ों से उत्पाद किया जाता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपने सुना होगा, अब से 2 से 3 दिन पहले ही पुंछ में एक आतंकी हमला होता है। ये आतंकी हमला था एयरफोर्स के गाड़ियों पर। एयरफोर्स के चीफ ने ये कहा था कि 7 दिनों का वक्त है, सरेंडर कीजिए नहीं तो हम ढूंढ करवाएंगे। और ऐसा ही हुआ भी। 3 दिन के अंदर ही बासित अहमद, जो इस काम का मास्टरमाइंड था, हालांकि ये भारत का ही था लेकिन ये अपनी खोपड़ी बेच चुका था विदेशों को, ये हमला करवाता था, मास्टरमाइंड था, इसे मारा जा चुका है। बाकी का सर्च जारी है, बहुत जल्द आपको वो उनके मरने की भी खबर मिलेगी। इससे अगली खबर हमारी ये है कि इंडियन एयरफोर्स और HAL मिलकर कैट्स वॉरियर UAV बनाने जा रहे हैं। ये कैट्स वॉरियर की अगर हम बात करें तो ये 36,000 फीट तक ऊंचा उड़ सकता है, रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, स्टेल्थ होगा, कई जगहों पर घातक हथियार के रूपों में भी इसे यूज किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी होगा। इस पर भी बहुत जल्द आपको फैसला सुनने को मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इनके आ जाने से अगर हम बात करें तो ये कई जगहों पर ऐसा काम करता है जो हमारे फाइटर जेट्स काम करते हैं। हालांकि फ़ाइटर जेट्स और यूएवी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कई जगहों पर ये है कि जहाँ पे फाइटर जेट 500-700 करोड़ के आते हैं, ये उस काम को महज 50 करोड़ और 25 करोड़ में कर देते हैं। काम बराबर ही होता है लेकिन फाइटर जेट की जगह अपनी है और यूएवी की जगह अपनी है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका अपना भारत नाम का चैनल है। तो अगली खबर है, प्रचंड हेलीकॉप्टर में OAS सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अपडेट करने का फैसला लिया गया है, जिससे हेलीकॉप्टर को आसानी से बचाया जा सकेगा। OAS का मतलब होता है ऑप्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम। ये वही सिस्टम है कि हमारे जो कई हेलीकॉप्टर अभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उन्हें ये पहले ही वार्निंग देगा, बताएगा कि सामने ये चीज़ है। कई बार क्या होता है कि कम ऊंचाई पर उड़ते हुए पेड़ और कुछ अन्य चीज़ों से हेलीकॉप्टर बहुत जल्दी से, धीरे से या कहीं भी टकरा जाते हैं, जिससे वो क्रैश हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऑप्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम ऐसा होगा जो काफ़ी दूर से ही बता देगा कि आपकी रेंज में ये चीज़ आती है और इससे जाके आप ऐसे यहाँ से आपको परेशानी हो सकती है, तो उस चीज़ को पहले से ही देखा जा सकेगा और हमारी अभी जो दिक्कत हो रही है उन सबको दूर किया जा सकेगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी बहुत ही बेहतरीन है। ये खबर है कनाडा के लिए। कनाडा को भारत ने एक बार फिर से चेताया है कि हमारे आंतरिक मामले में दखल देने की कोशिश ना करें। अगर कोई बाहर बैठा ग्रुप या सरकार ये सोचती है कि हम भारत की अखंडता को ठेस पहुंचा सकते हैं तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर किसी ने भी इसे ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो उसके लिए हमने पहले से ही लाल लाइन खींची हुई है। अपने देश का निर्णय हम खुद लेंगे। आपके यहाँ जो कुछ लोग ये समझ कर बैठे हुए हैं कि वो पंजाब को एक अलग स्टेट बना लेंगे, तो ये उनकी मनसा मन में ही रह जाएगी और आप उनका साथ देना बंद करें, नहीं तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा।